हेलो गाइस, आपका स्वागत है रूपी बाजार चैनल में। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के नए लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं ELSS। ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ELSS को हम म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। ये कोई इक्विटी ही लिंक्ड रहेगी इससे, तो इसलिए इसको इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं। म्यूचुअल फंड से रहते हैं ये, तो हमें इसे लेना है कब? रिसर्च करके। विदाउट रिसर्च आपको कोई भी स्टेप नहीं लेना है। आप सेल्फ रिसर्च करिए, आप कई सारे चैनल्स देखिए, हमारा चैनल देखिए, उसमें आपको कई सारी जानकारी मिलेगी। तो आप पहले रिसर्च करिए, फिर ही आप स्टेप लीजिए। ELSS क्या है? ELSS म्यूचुअल फंड, ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है। आपने इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके देखे होंगे जैसे पिछले लेक्चर्स में। ELSS भी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, बट यह आपको सेविंग्स देगा 80C सेक्शन में, टैक्स एग्जम्प्ट होगा 80C सेक्शन में। और आप जानते हैं 80C में आप 1.5 लाख मैक्सिमम टैक्स एग्जम्प्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर आप कितना भी सेव करें कोई यूज़ नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आपका यूज़ है, आप सेव करेंगे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा 3 साल बाद। तो आपको मिनिमम 3 साल तक रखना है, उसके बाद ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप सोच रहे होंगे इसमें डिपॉज़िट कैसे करें। इसमें डिपॉज़िट के दो तरीके हैं, लमसम है और SIP है। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट हो, RD हो, इसमें हम SIP करते हैं, लमसम अमाउंट भी लगा सकते हैं SIP करते हैं। तो इसमें भी यह फैसिलिटी दी गई है, और ये खासकर बैंक्स में होता है, सिक्योरिटीज़ में सारे ओपन होंगे। तो इसमें आपको या तो आप लमसम सेव करें या तो आप SIP सेव करें, मंथली इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये था ELSS के बारे में छोटा सा शॉर्ट स्वीट वीडियो। अगर आपको ELSS फंड्स कौन से होते हैं, कौन से है अगर चाहिए, तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करिए। उसके बाद ही मैं वीडियो लाऊंगा, ज़रूर लाऊंगा वीडियो इसके बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों यह वीडियो पूरा देखने के लिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर और ज़रूर लाइक करिए।